हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहम। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हमें नोटिफिकेशंस देखने को मिली है। बड़े ध्यान से ये वीडियो देखना क्योंकि आपके डाउट्स तभी क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पर प्रेस नोट जारी हुआ है और इस प्रेस नोट में बात की गई है OTR की, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है, देखिए आपको इसमें एक ID बनानी पड़ेगी। ID इन द सेंस की अपने पूरा डिटेल, वाई डाटा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड करना होगा। सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। पहले आप किसी भी एग्ज़ाम को फिल करते थे और वहाँ पर सेम क्राइटेरिया रहता था, ठीक है। आप अपना डिटेल पूरा का पूरा डालते थे, ठीक है, एड्रेस वगैरह डालते थे और एग्ज़ाम आप फिल करते थे और उसके बाद आप पेमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन अब, और कई बार आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट तक भी आपके पेपर फिल नहीं हो पाते थे, जब ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ जाता था। आपने एक वर्ड सुना होगा कि सर्वर जो है वो डाउन चल रहा है, जिसके कारण वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी ऐसा नहीं होता है, मतलब आपको एक बार ही अपनी ID बनानी है, पूरी डिटेल आपको उसमें डालनी है, ठीक है, और आप एक क्लिक के साथ आप एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया रहता है किसी भी पेपर को फिल करने का, ठीक है। एक क्लिक के साथ आप अपना पेपर फिल कर सकते हैं और आप फीस सबमिट कर सकते हैं, देखिए। और अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस लिंक के ऊपर जाना, आपको सारी डिटेल्स बताई गई है कि किस तरह से आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या डिटेल्स, आपको हर एक चीज़ बहुत ही ब्रीफली करके समझाई गई है, ठीक है। तो इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना और यहाँ पर वीडियोस वगैरह डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है जिन्हें आप देख सकते हैं। और OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप HPPSC की वेबसाइट पर कर सकते हैं, ठीक है। और आपके डाउट्स अभी ये भी हो सकते हैं कि आखिर ये पेपर कब तक होगा, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि HPPSC की तरफ से जितने पेपर थे वो HPPSC में ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है, HPPSC में ट्रांसफ़र हो गए हैं और अब आपके पेपर HPPSC ही लेने वाला है, ठीक है। तो ये मानकर चलिए बहुत जल्दी आपके पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि हमीरपुर बोर्ड का पूरा वाई डाटा लिया जाएगा, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपके पेपर जो है निकाले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, यानी कि दोबारा फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा अपनी अपनी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये लिंक रहेगा, ठीक है, इस लिंक के ऊपर आप जाना, वीडियोस बताई गई है, बड़े ध्यान से देखना और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप अपने लिए कर लेना टाइम से पहले, ठीक है, HPPSC की वेबसाइट पर जाना, ठीक है। और अब डाउट क्या क्या आपके हो सकते हैं कि जिस भी पोस्ट कोड की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि पेपर कब तक होगा, देखिए पेपर बहुत जल्दी लिए जाएंगे, बहुत जल्दी पेपर लिए जाएंगे। हम आप ये मानकर चलिए अभी ये जो प्रोसेस है एक महीना तक ये प्रोसेस चल सकती है, ठीक है, अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके पेपर लिए जा सकते हैं, रिटर्न की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो 2 से 3 महीना आप ये मानकर चलिए आपके पास अभी टाइम है पढ़ने का, ठीक है। और क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी फ्री टेस्ट लेने के लिए। और इस वीडियो के लिए अगर कहीं पे डाउट रह गया है, क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और OTR ध्यान से पढ़ना सभी, ठीक है, OTR में कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है, जो आपने किया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आपने डॉक्यूमेंट आपके आधे अधूरे हैं, ठीक है, लिखा कुछ और है, ठीक है, और अपलोड आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलती मत करना आप OTR में, ठीक है। OTR में वही क्वालिफिकेशंस डालना जो आपने की हुई है, ठीक है, और अगर आधे अधूरे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, तो अपनी गलत जानकारी बिल्कुल भी मत देना फिर, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट भरना, कहीं पता नहीं लगेगा कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर देना, लेकिन OTR गलत मत फिल करना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी आपकी डिटेल होगी, जो भी आप फिल करोगे वो फाइनल होगी फिर, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आधार नंबर ही आपने गलत भर दिया, नेम ही अपना स्पेलिंग सरनेम गलत कर दिया, डॉक्यूमेंट में आपने डिग्री लगा दी है कि आपने प्लस टू है, ठीक है, डिग्री की अगर कहीं ओपन से की हुई है डिग्री, मान लो आपने किसी यूनिवर्सिटी से की हुई है और उसकी यूनिवर्सिटी की मान्यता ही नहीं है, ठीक है, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर पेपर में तो आप बैठ जाओगे लेकिन आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो ये गलती मत करना। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन बड़े ध्यान से भरना, पता नहीं लगेगा पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना, कमेंट बॉक्स कर देना, ठीक है, लेकिन OTR बड़े ध्यान से भरना, क्योंकि और वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए और यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट HUPSC की वेबसाइट पर जाओगे और वन टाइम लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है, करवा के लेना, खुद करना, ठीक है, कि कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी 100 से 150 रुपये आपका चार्ज कर लेगा फिर, ठीक है, खुद पढ़े लिखे हो, अपनी डिटेल ही डालनी है बस, ठीक है, छोटा सा काम है, कर लेना टाइम से पहले, ठीक है। और यहाँ पर ये वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने फिल करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्या क्या इसमें सेगमेंट रखे गए, किस तरह से आपने करना है, ये सारी वीडियोस में आपको बताया गया, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि बहुत कम मैं कहता हूँ कि शेयर करो, ठीक है, तो लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शेयर करो, दबा के शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, ठीक है, फेसबुक पे शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।